तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन में बेसिकली हम लोग देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। ए बीम ऑफ वाइट लाइट इज अलाउड टू पास थ्रू ए कन्वेक्स लेंस, मतलब कन्वेक्स लेंस के थ्रू एक बीम ऑफ वाइट लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, डिफरेंट कलर ऑफ लाइट कन्वर्ज ए डिफरेंट पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, दिस इज कॉल्ड। अब अगर आप पढ़ाई थोड़ा सा भी किए हो कि अगर एक मेरे पास कन्वेक्स लेंस है तो ये जो लेंस है इसे मैं वाइट अगर रे पास कराता हूँ, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो अगर यहाँ से मैं वाइट बीम डालता हूँ, दिस इज द वाइट बीम, आ रहा समझ में? तो इस वाइट बीम में अगर आप देखोगे तो ये इस लेंस की क्या खास बात होती है कि रेड जो लाइट है वो सबसे कम डिविएट होती है। तो हर ये जो है ग्लास, इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो हर एक वेव लेंथ, हर एक कलर की जो इसमें 7 कलर है तो उसकी हर एक वेवलेंथ अलग है, तो हर एक की वेवलेंथ अलग है, तो यहाँ से जो डेविएशन होगा सबका अलग अलग होगा। तो रेड लाइट जो होती है वो सबसे कम डिविएट होती है, तो ये मान लो रेड वाली यहाँ फोकस होगी, अब ये स्प्लिट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से जो इधर, तो रेड वाली अगर इधर फोकस हो रही है, ठीक है, ये रेड है मान लो, तो यहाँ पर तुम देखोगे जो ब्लू ब्लू वायलेट इस तरह से ग्रीन इसके बीच में ऐसे रहेगा, तो ये वाली चीज जो है वो ग्रीन है, ठीक है। और यहाँ पर तुम देखोगे तो सबसे कम जो डिविएट होती है वो वायलेट होती है, समझ में आया? और मान लो यहाँ पर वायलेट है तो ये यहाँ पर ब्लू है, इस टाइप से अलग अलग कलर यहाँ पर ही आते हैं। तो जो ये जो लेंस है बेसिकली अलग अलग रे को अलग जगह फोकस करा, दिस लेंस अलग अलग रे को अलग जगह फोकस करा, जिससे इमेज उसी प्लेन में क्या है, ब्लर्ड दिखाई देती है, ठीक है। और ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हर एक कलर की जो वेव लेंथ है, वायलेट और रेड की अलग के वेव लेंथ अलग अलग है, और ये इस डिफेक्ट को हम बोलते हैं क्रोमैटिक एब्रेशन, दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड क्रोमैटिक एब्रेशन। सो इसमें जो सेकेंड ऑप्शन है वो सही है। अब यहाँ सर बच्चों को ये डाउट होता है, पोलराइजेशन तो आप जानते हो बेसिक है, स्केटरिंग भी जानते हो और बेसिक है, मतलब डस्ट पार्टिकल की वजह से लाइट रे अलग अलग डिविएट हो जाती है, पोलराइजेशन आप जानते होगे, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पर्टिकुलर लाइट फ्रॉम सम मीडियम, तो ये भी आप जानते हो, ये भी है, तो ये भी सही नहीं है। अब यहाँ पर बच्चों को ये डाउट होता है कि सर स्फेरिकल एब्रेशन क्या है, तो स्फेरिकल एब्रेशन को मैं थोड़ा सा इलोबरेट कर देता हूँ। यहाँ पर देखोगे स्फेरिकल वाले में क्या होता है, स्फेरिकल एब्रेशन इसमें आप देखो, इसमें अगर मैं कोई लेंस लेता हूँ, सबसे बड़ी बात क्रोमैटिक एब्रेशन जो होता है वो मिरर में नहीं होता है, दिस क्रोमैटिक एब्रेशन इज ओनली इन लेंस, ओनली इन लेंस, तो ये लेंस में ही होता है क्रोमैटिक एब्रेशन, ठीक है। तो अरे भाई क्रोमैटिक एब्रेशन लेंस में, मिरर में थोड़ी होगा। तो यहाँ से जो यहाँ से क्रोमैटिक एब्रेशन ये होगा, तो यहाँ से अगर तुम देखोगे स्फेरिकल एब्रेशन, तो मैं एक लेंस लिया हूँ और इस लेंस की जो कर्वेचर है वो थोड़ी बड़ी है, यार बात आ रहा है समझ में, ये जो कर्वेचर है वो थोड़ी बड़ी है। तो यहाँ से अगर मैं कोई सिंगल कलर भी डालता हूँ, जैसे मान लो मैंने यहाँ से रेड लाइट डाल दिया, तो ये सारे रेड कलर है, समझ में आ रहा है? तो रेड कलर है, तो रेड कलर होने की वजह से ये जो स्फेरिकल एब्रेशन है, सबसे बड़ी बात ये लेंस और मिरर दोनों में होता है, लेंस या मिरर दोनों में होता है ये वाली चीज़। तो यहाँ से तुम देखोगे मैंने सिंगल रेड कलर डाल दिया, और जब मैं सिंगल रेड कलर दे दिया तो इसका कर्वेचर, ये जो कर्वेचर है थोड़ा बड़ा है, इस बड़े कर्वेचर की होने की वजह से जो कुछ लाइट बीम है वो रेड वाले ही अलग अलग पॉइंट पे फोकस होंगे, समझ रहे हो ना? क्यों फोकस हो रहे हैं, क्योंकि जो आउटर लेयर ऑफ लेंस है, दिस आउटर लेयर ऑफ लेंस, ये वाला जो पार्ट है लेंस का, ये अलग अलग कर्वेचर ज़्यादा बड़ा होने की वजह से एक पॉइंट पर फोकस नहीं कर पा रहा है, और इस डिफेक्ट को हम स्फेरिकल एब्रेशन बोलते हैं। कहने का मतलब ये, अगर ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये जो कर्वेचर है अपेरचर, छोटा करोगे, छोटा लेंस, तो ये डिफेक्ट क्या होगा, मिनिमाइज हो जाएगा, और ये डिफेक्ट मिनिमाइज हो गया तो इमेज कैसा होगा, रेड वाले की यहाँ से रेड डालोगे सारे एक ही पॉइंट पर फोकस होंगे, और इमेज कैसा होगा, शार्प होगा, ठीक है, आ रहा समझ में? तो ये मिडल वाला, जो मिडल वाला होता है, ये जो मिडल पोर्शन है, दिस मिडल पोर्शन इज एबल टू कन्वर्ज एट ए पॉइंट, बट दिस आउटर पोर्शन इज नॉट एबल टू कन्वर्ज एट ए पॉइंट, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, इसको स्फेरिकल एब्रेशन बोलते हैं। तो जो सही ऑप्शन है प्यारे बच्चों, वो अपना सेकेंड है,
तो आई होप कि खूब इंजॉय किए होगे, अच्छा लगा होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।